दुकानों को बंद करने का फैसला ले लिया। सरकार का कहना है कि जनता के पैसों से फिजूल खर्ची अब नहीं होगी। वहीं इस फैसले को लेकर विपक्ष ने कहा है कि उनकी सरकार आने पर वो इस फैसले को वापस ले लेंगे। सरकार ऐसा क्यों कर रही है, इसका लोगों पर क्या असर पड़ने वाला है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। सरकार में मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने घोषणा की है कि राज्य के सभी सरकारी मदरसे बंद किए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि आम जनता के रुपयों से धार्मिक शिक्षा देने का प्रावधान नहीं है, इसलिए सरकारी मदरसे अब नहीं संचालित होंगे। मंत्री ने कहा कि सरकारी पैसों पर सिर्फ कुरान को नहीं पढ़ाया जा सकता, अगर ऐसा होता है तो बाइबल और गीता को भी पढ़ाया जाना चाहिए। ऐसे में इस प्रक्रिया को सरकार ने बंद करने का फैसला किया है। इस आदेश का नोटिफिकेशन अगले महीने यानी नवम्बर में जारी कर दिया जाएगा। राज्य में लगभग 100 संस्कृत स्कूल भी बंद हो जाएंगे। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि कई मुस्लिम लड़के फेसबुक पर नकली अकाउंट बनाते हैं और हिंदू नाम लिखकर मंदिरों से अपनी तस्वीरें डालते हैं। फिर जब किसी हिंदू लड़की से शादी होती है तो सच्चाई सामने आने पर काफी मुश्किलें होती हैं। अब इस बारे में राज्य सरकार सख्ती बरतेगी। आपको बता दें कि राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अनुसार असम में 614 मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। SMEB की वेबसाइट के अनुसार इनमें से 400 उच्च मदरसे हैं, 112 जूनियर उच्च मदरसे हैं और शेष 102 मदरसे हैं। कुल मान्यता प्राप्त मदरसों में से 57 लड़कियों के लिए हैं, 3 लड़कों के लिए हैं और 554 सह शिक्षक हैं। 17 मदरसे उर्दू माध्यम से चल रहे हैं। हालांकि प्राइवेट मदरसों के साथ भी क्या यही नियम लागू किया जाएगा, इसके बारे में मंत्री की ओर से कोई बयान नहीं दिया गया।